नंदोरी से कोरा मार्ग का बांध काम तत्काल शुरू करें, अन्यथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा रास्ता रोको आंदोलन करने का इशारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सरचिटनीस अतुल वांदिले इन्होंने दिया है। नंदोरी से कोरा मार्ग का बांध काम पिछले दो वर्षों से रखड़ने से नागरिकों को बिना वजह तकलीफ सहन करनी पड़ती है। नंदोरी से कोरा ये मुख्य मार्ग है, इस रास्ते से बड़े वाहन बस साथ ही साथ हर रोज हजारों नागरिक आना जाना करते हैं। इस रास्ते को ग्रामीण भाग जुड़ने से वहाँ नागरिक को हिंगनगाड़ की बाजार पेट, विद्यार्थियों को स्कूल में जाने के लिए और बीमार व्यक्ति को रुग्णालय में उपचार के लिए ले जाने के लिए इसी रास्ते से जाना पड़ता है। रास्ता खराब व ना दुरुस्त होने से व रास्ते का बांध काम बंद होने से इस मार्ग पर कई दुर्घटनाएं हुई है, जिसमे कितनों ने अपनी जान गंवाई है तो कई गंभीर जख्मी हुए हैं। पिछले दो साल से ये रोड के बांध काम रखड़ने से रोड पर धूल साम्राज्य है। इस रोड पर बारी गिट्टी होने से अनेक गाड़ियां पंचर हो रही हैं, जिस वजह से इस रास्ते से आने जाने वाले नागरिकों को बिना वजह तकलीफ सहन करनी पड़ी है। नंदोरी से कोरा रोड के बांध काम तत्काल शुरू करें, अन्यथा आगामी 6 जनवरी 2024 को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से रास्ता रोको आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन की सर्वस्व जिम्मेदारी ये शासन प्रशासन ही रहेगी, ऐसा इशारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सरचिटनीस अतुल वांदिले ने किया। कोरा नंदोरी ते हिंगनघाट जो रोड आलेला आहे पीडब्ल्यूडी च्या माध्यमातून या रोडचं काम 2 वर्षापूर्वीपासूनच चालू आहे, पण ते रोडचं काम आतापर्यंत पूर्ण झालेलं नाही, त्याची कालावधी पूर्णपणे संपलेली आहे। त्या रोडवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात अपघात होत आहे की आता 1 महिन्या अगोदर एक युवक तरुण मुलगा त्याचा अपघात झाला आणि त्यांची मृत्यू झालेली आहे। आता असे अपघात होत आहेत तरी हे प्रशासन शांत बसलेलं आहे। त्यानंतर पीडब्ल्यूडीच्या अंतर्गत येते अनेक लोकांनी यांना तक्रारी केल्या, अनेक लोकांनी निवेदनं केले, जे काही गावं आहेत त्या गावांना काही लोकांना जे अपडाऊन करावं लागते, काही लोकांना आपल्या गावात जावं लागते, तर ते जाऊ शकत नाही अशी बिकट आणि अशी वाईट परिस्थिती त्या रस्त्याची झालेली आहे। म्हणून आज आम्ही तहसीलदार समुद्रपूर यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या माध्यमातून समुद्रपूर तालुक्याच्या वतीने आम्ही आज निवेदन देण्यात आलं। आमचे तालुका अध्यक्ष झोटिंग पाटील साहेब यांच्या नेतृत्वात तसेच आमचे या भागातले संपूर्ण नेते यांच्या नेतृत्वामध्ये आज निवेदन देण्यात आलेलं आहे। 2 तारखेपर्यंत आम्ही अल्टिमेटम दिलेलं आहे। एनबीसी न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।